जिला स्तरीय 72वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार स्काउट मास्टर हिस्सा लेंगे। कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली छात्र इस बार परेड का हिस्सा नहीं होंगे। स्काउट एंड गाइड छात्रों की जगह विभिन्न स्कूलों के स्काउट मास्टर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में पुलिस होमगार्ड व कॉलेज के NCC कैंडिडेट के साथ कदम ताल करते देखे जा सकते हैं। ये पहला मौका है जब स्काउट मास्टर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को अन्य टुकड़ियों के साथ मार्च पास्ट की सलामी देंगे। बताया जा रहा है कि स्काउट मास्टर को रिहर्सल की ट्रेनिंग दी जाती है। यही कारण है कि इस बार स्काउट मास्टर बच्चों की जगह परेड में हिस्सा ले रहे हैं। बाल स्कूल मैदान हमीरपुर में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल चल रही है। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस होमगार्ड कॉलेज के NCC कैंडिडेट व स्काउट मास्टर परेड का कड़ा आयास कर रहे हैं ताकि मुख्य अतिथि के समक्ष मार्च पास्ट की सलामी में कोई खलल ना डले। जिला के विभिन्न स्कूलों से लगभग 18 के करीब स्काउट मास्टर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें प्रवक्ता राजकुमार, प्रवक्ता दलजीत कुमार, प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार, संजय कुमार, बलदेव सिंह, अरुण विवेक शर्मा, अमित कुमार, रमेश कुमार, सुनील कुमार, विजय कुमार, नवनीत, विनोद कुमार, राजेश कुमार, तनिषा, बलदेव एवं अन्य स्काउट मास्टर हिस्सा ले रहे हैं। बॉयज स्कूल ग्राउंड हमीरपुर में पुलिस ने 26 जनवरी की रिहर्सल का निरीक्षण SP हमीरपुर कार्तिकेयन गोकुल चंदन के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि रिहर्सल में जो भी कमी पाई गई उनको नजर रखते हुए उनको ठीक किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली छात्र इस बार परेड का हिस्सा नहीं होंगे। छोटे मोटे इश्यूज होते हैं जो हमने डिस्कस किया और उसके अनुसार जो भी वेरिफिकेशन था प्रोग्राम है सरकार का उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। एक परेड होगा और उसके बाद जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स होंगे वो हमारे प्रशासन के साथ हमने डिस्कस किया है, वो सब करवाएंगे। उसके अलावा और कोई खास नहीं। तो मेरे को लगता है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड और कोविड का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम प्रोग्राम्स को भी प्लान करना होता है। इस कारण से हम कल्चरल प्रोग्राम को प्रशासन और